हाय ऑल ऑफ यू, दिस इज कुनाल एंड यू ऑल आर वार्म वेलकम ऑन माय प्लेटफॉर्म लर्न बियॉन्ड। चले आज हम क्या करने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, ऐसे तो आपको जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने फिगर ड्रॉ किया है वो फिगर देख के ही कुछ अनुमान हो रहा होगा कि संभवतः ये जो फिगर है वो एक इंस्ट्रूमेंट का है, और वो इंस्ट्रूमेंट की बात हमने अभी इससे पहले वाले क्लास में आपके साथ की है, दैट इज ए चेक। तो चेक विशेष हम बातें करेंगे। पहले तो चेक मैं पूरी तरह आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, कौन कौन से फीचर इस चेक्स के होते हैं और क्या इसमें टाइप्स होते हैं, कैसे ये चेक्स का मार्केट में वैल्यू हम प्रेजेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि चेक के रिलेटेड ऑल इन एंड आउट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर वीडियो। तो चले शुरुआत करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्लास की, और वो क्लास आपकी पूरी तरह चेक पे बेस्ड है। देखिए, जब भी आप चेक देखेंगे, अगर संभवतः आपने चेक नहीं देखा है या है भी आपके पास, तो एक बार प्लीज़ माय रिक्वेस्ट कि आप उस चेक को बाहर निकाल लें, है ना। फिर इसके साथ अगर पढ़ेंगे तो आपका हर एक कन्फ्यूज़न आज एक कंसेप्ट के रूप में कन्वर्ट जरूर होगा। तो चलिए देखिए ऐसा चेक है, और इस चेक को संभवतः आप अगर देखेंगे तो लगभग ऐसा ही फिगर आपको नज़र आता है ना, जहाँ पे कुछ टर्म है जो लिखे रहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा किसको आपको देना है, उसका नाम आपको लिखना है। यहाँ पे रुपीस लिखा रहता है कि कितने रुपीस का है, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। यहाँ पे डीडी एमएम वाईवाई का फॉर्मेट आपका होता है, और सबसे टॉप में बैंक का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे सपोज ये बैंक कौन सी है, तो सिटी बैंक का ये चेक है, तो सिटी बैंक लिखा हुआ होगा, प्लस सिटी बैंक की कौन सी ब्रांच है, तो ब्रांच कोड लिखा हुआ होगा, है ना, कोड के साथ साथ एड्रेस लिखा हुआ होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट एक कोड लिखा होता है, उस कोड का नाम है IFSC। तो हर एक चेक के ऊपर में ही IFSC कोड आपको दिखेगा, क्लियर। तो यहाँ बैंक का नाम, यहाँ पे बैंक का कोड, उस ब्रांच का पर्टिकुलर कोड होगा, फिर एड्रेस होगा, और फिर से एक कोड होगा, उस कोड को हम IFSC नाम से जानते हैं। ये फॉर्मेट हमेशा इसी पार्ट में आपको दिखेगा, है ना, ऐसा नहीं कि एक लंबा लाइन होगा जहाँ पे आपको खुद से लिखना है, नहीं, है ना, हमेशा तीन कॉलम में डिवाइडेड होगा। डीडी एमएम वाईवाई के फॉर्मेट में आपको लिखना है, पेएबल का नाम जिसको आप पे करेंगे, पे यहाँ पे लिखना है, रुपीज जो वर्ड फॉर्मेट में हमें लिखेंगे वो यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ पे RS लिखा हुआ नहीं होगा, जो INR है, इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीज का सिंबल, जो देवनागरी की R है वो आपको दिखेगी। यहाँ पे संभवतः आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ होगा, है ना, तो कोई सा भी अकाउंट नंबर आप ले लें, 201338209, तो कितने भी डिजिट का हो सकता है, 16 डिजिट भी होते हैं किसी बैंक के 11 डिजिट भी होते हैं। तो यहाँ पे डिजिट की कोई बात नहीं है कि कितने भी डिजिट का होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलग 9 डिजिट के हैं, SBI के 11 डिजिट के हैं, है ना, ICICI बैंक का 16-22 डिजिट का आपको दिखता है, तो ये सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक होलोग्राम होगा, इस होलोग्राम को जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज द CTS, तो CTS की भी हम बात करेंगे, बट वहाँ पे एक होलोग्राम आपको दिखेगा जहाँ पे CTS तो लिखा हुआ नहीं होता है, बट आप अगर देखेंगे तो एक स्क्वायर के रूप में आपको दिखेगा, या अगर किसी प्राइवेट बैंक का चेक है तो एक वेव के रूप में भी आपको दिख सकता है। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ कि माय नेम इज कुनाल सिंह, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरा अकाउंट है, तो मेरा नाम लिखा हुआ होगा, और इसके ऊपर सिग्नेचर करने की बात कही जाती है कि आप अपना साइन कर सकते हैं, क्लियर। नीचे में आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट कोड होते हैं सबसे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में। फिर से आपके कितने डिजिट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर से 9 डिजिट होते हैं। फिर से कितने डिजिट होंगे, तो जो पहला लिखा था हमने उतने ही आपके थर्ड में भी होते हैं, दैट इज 6 डिजिट, और आखिरी में कितने डिजिट होते हैं, दैट इज 2 डिजिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आखिर क्या दर्शाता है। तो शुरुआत हम यहां से करते हैं, सबसे ऊपर से हम शुरुआत करते हैं, बिल्कुल हम नीचे तक आएंगे, फिर हम चेक्स के टाइप को देखेंगे कि ऑर्डर चेक क्या है, बियरर चेक क्या है, स्टेल चेक क्या है, PDC, ADC, बाउंस ऑफ चेक, है ना, तमाम टाइप्स के हम चेक को देखेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको जो अकाउंट होल्डर है उसका साइन आपको करना है, तो मैंने यहाँ पे अपना साइन किया।
हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन चेक, पहले तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जान लें कि देर आर थ्री पार्टी विच आर इन्वॉल्व इन दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज चेक। कौन कौन सी पार्टी होती है? तो जो साइन करता है वो अकाउंट होल्डर होता है। उस अकाउंट होल्डर को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है आपका ड्रॉअर। तो ऑलवेज देखिए ड्रॉअर कैसे याद रखें, समटाइम्स कन्फ्यूज होते हैं कि ड्रॉअर है या ड्रॉई है, पता ही नहीं चलता है। तो स्वाभाविक सी बात है जिसका चेक होगा वही अपने ड्रॉ से निकालेगा। मैंने अपने ड्रॉअर में रखा है तो मैं ही निकालूंगा, मेरा चेक है। तो अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड ड्रॉअर, है ना, और ड्रॉअर का साइन यहां पे होगा। अभी तक मैंने अकाउंट होल्डर की बात की थी, अभी के बाद मैं अकाउंट होल्डर की बात आपके इस फाइनेंशियल टर्म में नहीं करूंगा। जब भी मैं सिग्नेचर की बात करूंगा तो मैं हमेशा ड्रॉअर की ही बात करूंगा, क्योंकि दिस इज ए फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी, ड्रॉअर। क्लियर? ये ड्रॉअर साहब कहते हैं किसको? तो बैंक को कहता है कि आप पैसा दो। तो ड्रॉअर किसको निर्देश दे रहा है? तो ड्रॉअर उस पर्सन को, उस एंटिटी को निर्देश दे रहा है जिसे हम जिस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉई। तो बैंक इज कॉल्ड ड्रॉई। क्लियर यहां पे कि ड्रॉअर क्या हो गया, ड्रॉई कौन हो गया? तो बिल्कुल अलग अलग है। मैंने स्पष्ट बता दिया है कि ड्रॉअर अपने ड्रॉ से चेक निकालेगा एंड ही मस्ट बी अकाउंट होल्डर। तो ड्रॉअर हो गया, निर्देश किसको देगा? तो अपने बैंक को निर्देश देगा, तो बैंक इज ड्रॉई। सपोज कि मैं बैंक को निर्देश दे रहा हूं तो मैं ड्रॉअर हूं, बैंक मेरा ड्रॉई है, और निर्देश दे रहा हूं पेटू राम कुमार। क्लियर? तो मैंने बोला ना कि इस चेक में तीन पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। मैं बैंक को निर्देश दे रहा हूं कि राम कुमार साहब को आप पैसे दें। तो राम कुमार जिस टर्मिनोलॉजी के नाम से हम जानते हैं इज कॉल्ड पेई। तो देर आर थ्री पार्टी इन्वॉल्व इन निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। आप कहेंगे कि सर हम हमेशा तो निर्देश नहीं देते हैं, समटाइम्स हम पे के नाम, पे की जगह किसी पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, हम खुद ही अपना नाम लिखते हैं क्योंकि हमें खुद पैसा चाहिए, या हम लिखते हैं पे टू सेल्फ। तो उस कंडीशन में चेक को जिस नाम से हम जानते हैं उसकी बात मैं करूंगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं कि इस टर्म की, कि तीन पार्टी, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। पेई को पैसा मिलेगा, ड्रॉई पैसा देगा, ड्रॉई बैंक होगा और ड्रॉअर का चेक होगा। तो यहां पे पहली बात आपके साथ बिल्कुल क्लियर है। तो इस ड्रॉअर को मैं अंदर लिखता हूं तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप इसका एक बार फोटो भी लेंगे तो बिल्कुल हमेशा आपके जहन में वो जो फोटो है वो बैठा रहेगा। क्लियर? अभी देखें साहब, यहां पे एक कोड लिखा होता है, उस कोड का नाम होता है IFSC। द फुल फॉर्म ऑफ IFSC इज इंडियन फिनेंशियल, S स्टैंड फॉर सिस्टम एंड C स्टैंड फॉर कोड। तो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड होता है और ये कोड 11 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। क्लियर? ये जो 11 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं ये भी क्या होते हैं, तो अलग अलग सेगमेंटेशन में बटे हुए होते हैं। फर्स्ट 4, फिर से उसके बाद बीच का 6, और फिर से आखिरी का क्या होता है, तो कोड होता है। तो फर्स्ट 4, या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फर्स्ट 4 फिर से आपका 1 और फिर से कितना, तो 6, तो 4, 6 1 7 7 4 11। तो IFSC 11 अल्फा न्यूमेरिक का कोड होता है जिसमें शुरुआत के जो 4 होते हैं वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होते हैं, वो बैंक का नाम होता है, है ना। अगर ICICI का चेक है तो लिखा रहेगा ICICI, अगर SBI का है तो लिखा रहेगा SBIM। क्लियर? तो फर्स्ट 4 अल्फा ऑफ IFSC रिप्रेजेंटिंग द बैंक नेम। फिफ्थ डिजिट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। पांचवा जो दिखेगा वो हमेशा 0 होगा। समाप्ता लिखने में हमने लिख दिया SBINO, तो बेसिकली वो ओ जो है वो हमें किस रूप में कंसिडर करना है, तो हमें 0 के रूप में कंसिडर करना है, क्योंकि IFSC कहता है कि पांचवा हमेशा और हमेशा एक डिजिट होगा, वो डिजिट और कुछ भी नहीं होगा सिवाय 0 के। तो फिफ्थ डिजिट इज ऑलवेज 0 एंड लास्ट 6 डिजिट ऑफ IFSC रिप्रेजेंटिंग ब्रांच कोड। तो ब्रांच, अलग अलग ब्रांचेज की अलग अलग कोड है। सपोज मुंबई में अलग अलग ब्रांचेज हैं तो एक ब्रांच की अलग कोड होगी, दूसरी ब्रांच की अलग कोड होगी। क्लियर? तो लास्ट के जो 6 डिजिट है IFSC कोड की वो आपकी ब्रांच की कोड होती है। तो आपको अगर ब्रांच कोड नहीं भी मालूम है,
लेकिन आईएफएससी कोड मालूम है तो उसके आखिरी का 6 डिजिट देखिए और आप समझ जाइए कि आपकी ब्रांच की कोड क्या है। चलते हैं हम आगे। यहां पे आज का मैं तारीख लिखता हूं, आज की कौन सी डेट है, तो आज का मैं न्यू ईयर का तारीख लिखता हूं, 1st of January 2020 मैं लिखता हूं कि 1 जनवरी 2020 को हमने ये चेक इशू किया है। अभी नीचे आ जाए और यहां पर मैं सपोज लिखता हूं कि पे टू राम कुमार कितना, तो 50,000 रुपीज, FIFTY 50,000 रुपीज ओनली, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहां भी वर्ड के बाद फिगर में आपको लिखने की जरूरत है, तो 50,000 यहां लिखें और हमेशा याद रखें कि यहां पे एक स्लैश लगा दें और एक डैश का साइन लगा दें, सो दैट कोई भी आपको इस चेक पे क्या तो अल्टरेशन करके एक कोई और जीरो नहीं बढ़ा सकता है। तो इस फिगर में हमें लिखना होता है, यहां पे जो ड्रॉअर होते हैं उनका साइन चाहिए। नीचे आ जाएं, नीचे में सबसे लेफ्ट हैंड साइड जो 6 डिजिट होते हैं दैट इज कॉल्ड चेक नंबर, है ना। संभवतः कई टाइम्स नए कस्टमर होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि चेक नंबर कौन सा है, ऊपर वाला है, बीच वाला है, लेफ्ट सेकंड लेफ्ट साइड वाला है या सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला है। तो आप जाने कि लेफ्ट मोस्ट साइड का जो नंबर होता है जो चेक के बॉटम में होता है, दिस इज द चेक नंबर एंड चेक नंबर इज ऑफ ऑलवेज एंड ऑलवेज 6 डिजिट, 6 डिजिट का ही आपको दिखेगा। आ जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड ऑन इंस्ट्रूमेंट दैट इज चेक इज कॉल्ड MICR, द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो चेक पे बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा जो 9 डिजिट का कोड है वो अल्फानोमेरिक नहीं होगा, वो 9 डिजिट का कोड है। द कोड इज कॉल्ड MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे हमने आपके IFSC को 3 पार्ट में ब्रेक किया था, ठीक वैसे ही हम MICR को भी 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं और कहते हैं कि शुरुआत का जो 3 डिजिट है, बीच का जो 3 डिजिट है और आखिरी का जो 3 डिजिट है किस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप जाने कि 1st 3 डिजिट ऑफ योर MICR रिप्रेजेंटिंग सिटी कोड, है ना, जो भी पोस्ट ऑफिस का जो जिप कोड होता है वो आपको देखने को मिलेगा। मुंबई है, मुंबई का पवई का अगर इलाका है और उसका कोड 400076 है तो शुरुआत की जो MICR की कोड होगी वो 400 होगी, क्योंकि जो हमारी जिप कोड थी वो 400076 थी। तो 1st डिजिट ऑलवेज सिटी कोड। देन आफ्टर बीच की जो 3 डिजिट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट विल रिप्रेजेंट बैंक कोड। और आखिरी का जो 3 डिजिट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ब्रांच कोड। तो 1st 3 डिजिट सिटी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए और हमेशा आपको याद रखना है कि MICR 3 पार्ट में उसका सेगमेंटेशन है, 1st 3, middle 3, last 3, last 3 ब्रांच को, फिर बीच का 3 बैंक को, फिर पहला 3 आपके जिप कोड के पहले 3 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाए राइट हैंड साइड से दूसरा, जिस नंबर को हम नाम से जानते हैं उसका नाम है सैन नंबर। सैन नंबर भी कितने डिजिट के होते हैं, जो 6 डिजिट के होते हैं, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। तो सैन नंबर इज ऑफ 6 डिजिट एंड द फुल फॉर्म ऑफ सैन नंबर है ना, दैट इज शॉर्ट अकाउंट नंबर। वो RBI विशेष एक नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म सैन होता है, सैन का फुल फॉर्म हमने बताया शॉर्ट अकाउंट नंबर। और आखिरी की जो 2 डिजिट है वो संभवतः आपके अगर सेविंग अकाउंट है तो 31 देखने को मिलेगा, है ना, करंट अकाउंट है तो 29 देखने को मिलेगा, डिमांड ड्राफ्ट है तो 14 देखने को मिलेगा, अगर CC है तो 13 देखने को मिलेगा। मतलब ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट कोड होता है, इंस्ट्रूमेंट कोड होता है, ये बताता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली कौन से अकाउंट का है, सेविंग अकाउंट का है, करंट अकाउंट का है या आपके आपके CC अकाउंट का है, है ना। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट कोड। एंड इंस्ट्रूमेंट कोड अगर सेविंग अकाउंट का चेक है तो 31 लिखा हुआ आपको दिखेगा, करंट अकाउंट का है तो 29 लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो ये बेसिकली एक फीचर है आपके चेक्स का। चेक्स में एक और बात मैं बताता हूं, चेक के पीछे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक रहता है। ब्लैंक इस कारण से रहता है क्योंकि वहां पे हम क्या कर सकते हैं, चेक एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने बताया था
कि चेक की पूरी बात सेक्शन नंबर 6 में निहित है और सेक्शन नंबर 4, 5, 6 को जोड़ के हमने जिस सेक्शन को क्रिएट किया था उस सेक्शन का नाम था सेक्शन नंबर 1313, जिसमें हमने ये बताया था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए प्रोमिसनरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज पेएबल टू द बियरर और ऑन ऑर्डर और ऑन डिमांड। क्लियर? तो ट्रांसफरेबल है और ट्रांसफर रामकुमार किसी और नाम को कर सकता है, वो व्यक्ति किसी और नाम को कर सकता है। तो चेक के पीछे का जो ब्लैंक सीट है वो बेसिकली उसी चीज के लिए होता है और उस टर्मिनोलॉजी को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट होता है कि वन पार्टी कैन ट्रांसफर द पेमेंट टू अनदर पार्टी, अनदर पार्टी कैन ट्रांसफर द पेमेंट टू एक्स्ट्रा पार्टी, है ना। तो ये जो सिलसिला है वो कई अंत तक चलता रहेगा, कई जगह तक चलता रहेगा। सपोज आपके चेक के पीछे का पेज 5-6 ट्रांसफर करने के बाद, 5-6 इंडोर्समेंट करने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो आप उस चेक के साथ एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेपर अटैच कर सकते हैं और ये ब्लैंक पेपर को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है ALONG। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अलॉन्ज, तो आप याद रखें कि वेन एवर एन एक्स्ट्रा सीट इज अटैच वाइल डूइंग द इंडोर्समेंट इज कॉल्ड अलॉन्ज। तो आई होप कि अलॉन्ज भी आपको मालूम चला होगा, इंडोर्समेंट क्या होता है वो भी आपको मालूम चला होगा। बाद में मैं बताऊंगा कि इंडोर्समेंट कैसे होता है, बट दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। मतलब वन पार्टी कैन ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू अदर पार्टी। जैसे मेरा चेक था, मैंने क्या बोला, राम कुमार को पे कर दो। राम कुमार नहीं जा रहे हैं, चेक के पीछे लिखा कि पे टू श्याम कुमार, तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो श्याम कुमार हो गया, बट राम हैज टू साइन। फिर श्याम कुमार नहीं जा रहा, बोल रहा है कि मैं कहीं और से माल ले रहा हूं, तो पे टू मोहन, तो मोहन इज बिकम द होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड, दिस सिलसिला इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट करते करते अगर चेक के पीछे का जो ब्लैंक पेज है वो खत्म हो गया और आपने उसमें बिल्कुल एक एक्स्ट्रा सीट अटैच किया है इंडोर्समेंट के पर्पस के लिए, द एक्स्ट्रा सीट इज कॉल्ड अलॉन्ज। तो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ चेक। अभी के बाद हम चलेंगे और फटाफट चेक्स के टाइप को हम कवर करेंगे कि चेक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, लेकिन संभवतः इस वीडियो में हमने चेक का टाइप, चेक का फीचर आपको बताया है। इसके बाद वाली आप वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो में हमने क्या है तो चेक्स के टाइप की बातें आपको बताई हैं। तो पहले एक बार आप पेपर निकालें, उस पेपर में इस चेक को ड्रॉ करें, उसमें आप लिखें कि कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं। तीन पार्टी की नाम हमने आपको बताई है, कौन कौन से, तो ड्रॉ ड्रॉ पे, ड्रॉ अकाउंट होल्डर ही होगा, ड्रॉ ही हमेशा बैंक होगा, पे ही जिसको पैसा मिलना है वो होगा। डेट की जो फॉर्मेट है वो हमेशा तीन कॉलम में डिवाइडेड होगी, रुपीज का सिंबल ही आपको देखने को मिलेगा। अकाउंट होल्डर के नीचे में आपको एक बार कोड टाइप को दिखेगा जिसमें लिखा तो कुछ नहीं होता है, बट दैट इज ए फ्लैगशिप ऑफ CTS चेक। उसके नीचे चार अलग अलग सेक्शन होते हैं, चार अलग अलग डिजिट आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत के जो फर्स्ट 6 डिजिट होते हैं वो हमेशा चेक का नंबर होता है, उसके बाद 9 डिजिट इज MICR कोड, और उसके बाद की फिर से 6 डिजिट इज कॉल्ड सैन नंबर, और आखिरी की 2 डिजिट इंस्ट्रूमेंट को दर्शाता है। मैंने स्पष्ट बताया कि MICR को हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं, फर्स्ट 3 इज सिटी कोड, देन आफ्टर बैंक कोड, देन आफ्टर ब्रांच कोड। सिमिलरली मैंने आप बताया कि IFSC कोड आपको हमेशा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर को देखने को मिलेगा, और IFSC को मैंने भी 3 पार्ट में तोड़ा है, फर्स्ट 4 अल्फा रिप्रेजेंट बैंक नेम, फिफ्थ डिजिट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0, एंड लास्ट 6 डिजिट रिप्रेजेंट ब्रांच ऑफ द बैंक। क्लियर? तो इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज बियरर चेक, व्हाट इज ऑर्डर चेक, व्हाट इज CTS चेक, व्हाट इज क्रॉस चेक, व्हाट इज डिसऑनर ऑफ चेक, व्हाट इज बाउंस ऑफ चेक, व्हाट इज हाई वैल्यू ऑफ चेक, व्हाट इज बैंकर चेक, मतलब तमाम चेक की बात अभी के बाद की वीडियो में हम करने वाले हैं। बट रिक्वेस्ट इज कि प्लीज पेन डाउन द एंटायर फैक्ट विच आई हैव रिटन ऑन योर व्हाइट बोर्ड, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज व्यू next video for different types of check. Till then, please pen down.